नमस्कार वणक्कम सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर फिंगर्स क्रॉस्ड करके धड़कते हुए दिलों के साथ वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहे हैं। हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह थम्सअप भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है क्रिकेट के इस महामेले का। और थम्सअप फैन पल्स के जरिए देश के सारे क्रिकेट फैंस की नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है कि हमारे फैंस आप लोग क्या सोचते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप में हमारी टीम के क्या चांसेस हैं। आप भी थम्सअप उठाओ, स्कैन करो, वोट करो और हमें ये बताओ, विल इंडिया विन? देखिए, जब पहली बार 1983 में और दूसरी बार 2011 अपने घर में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो उन दोनों भारतीय टीम्स में भी और जहां जहां वर्ल्ड कप हुआ, होस्ट नेशंस के हालातों में भी जमीन आसमान का अंतर था। पहले बात करते हैं 1983 की। इंग्लैंड में लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा था। भारतीय टीम उस समय वनडे क्रिकेट में कोई बहुत बड़ी महाशक्ति नहीं मानी जाती थी, तो हमसे उम्मीदें भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमने सारी उम्मीदों को धता बताते हुए वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वेस्ट इंडीज से, जो दो बार की डिफेंडिंग चैंपियन थी, बड़े बड़े सुपरस्टार से भरी हुई थी। उधर साथ में एक तो हम वर्ल्ड कप में एक एवरेज अबव एवरेज टीम माने जा रहे थे, फिर इंग्लैंड का माहौल जो बड़ा सख्त था, तो ऐसे में परिस्थितियां हमारे खिलाफ थी। लेकिन भारत की सबसे बड़ी मजबूती उस वर्ल्ड कप में ये थी कि हमारे पास एक से एक बढ़िया परफॉर्म करने वाले शानदार ऑलराउंडर थे। तो सारी उम्मीदों के विपरीत 1983 में हमारी टीम ने लॉर्ड्स के मैदान में उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाया, पूरे देश की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाया और इस देश को प्यार करने लायक एक नए खेल से रूबरू करवाया। दादा, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और इंडिया में इस बारी गोल्डन चांस है इंडियन टीम के लिए जीतने का, क्योंकि पिछली बार जब ये वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो इंडिया जीती थी और इस बार भी ऐसा होने वाला है। 1983 के बाद अगला वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्रभु हमें 28 साल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ी। हम भारत मेजबानी कर रहे थे उस वर्ल्ड कप की, और मुझे याद है मेरे बड़े भाई ने वर्ल्ड कप से पहले मुझसे ऐसे ही बात बात में पूछा था कि कौन सी टीम मुझे सबसे मजबूत लग रही है, और मैंने बिना सोच विचार किए, बिना अपने दिमाग पे दबाव डाले कहा था कि मुझे लग रहा था भारतीय टीम प्रबल दावेदार है वर्ल्ड कप जीतने की। वो टीम सुपरस्टार खिलाड़ियों से भरी हुई थी, हमारे पास मैच जीतने वाले बैट्समैन थे, मैच जिताऊ बॉलर थे, बेहतरीन ऑलराउंडर थे, एक बेहद संतुलित टीम वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराती है और दूसरी बार भारतीय टीम 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीत के अपने फैंस को खुशी के तौर पे एक तोहफा प्रदान करती है। लेकिन प्रभु लोग, आज पिछला वर्ल्ड कप जीतने के 12 साल बाद मैं ये बात दावे के साथ नहीं कह सकता कि हम अपने घर में वर्ल्ड कप जीतने के प्रबल दावेदार हैं। ठीक है, हमारी पिचेस हैं जिन पर खेलने के हम आदी हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारा माहौल है, हमारा मौसम है, लेकिन इसके बावजूद दो तीन चीजें मुझे ऐसी लग रही हैं जो हमें आउट एंड आउट फेवरेट नहीं बनाती वर्ल्ड कप जीतने के लिए। बैटिंग के विभाग में हम दो तीन सीनियर प्लेयर्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं, मिडल ऑर्डर कुछ खिलाड़ियों की फॉर्म और बहुत से खिलाड़ियों की फिटनेस के चलते काफी हद तक खेला हुआ है, बॉलिंग में हमें वैरायटी देने के लिए एक भी दाएं हाथ का स्पिनर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दावा 2011 जितना मजबूत तो इस बार मुझे नहीं लग रहा है। दिल कह रहा है कि इंडिया जीतेगी, लेकिन दिमाग बता रहा है कि जरा सोचो कि कैसे जीतेगी। दिल और दिमाग की लड़ाई जो मेरे अंदर चल रही है, वही सेम टू सेम सौरभ दादा और वीरू पाजी के अंदर भी हमने देख ली है। उनके दिमाग और दिल भी आपस में टकरा रहे हैं। दादा की एक बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि अपने घर में वर्ल्ड कप जीतने की शुरुआत हमने की थी। 2011 में हम जीते, 15 में ऑस्ट्रेलिया जीता, 19 में इंग्लैंड जीता, तो उसी प्रथा को अगर आगे बढ़ाएं तो इस बार हम प्रबल दावेदार फिर से हैं। एक और दादा की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो ये कि अब आप अपनी कंडीशंस में फेवरेट जरूरी नहीं है माने जाएं, क्योंकि भारत की कंडीशंस, भारत की पिचेस, भारत का माहौल विदेशी टीमों के लिए अब अनजान नहीं है। उधर वीरूपा जी, वो तो पॉजिटिविटी के पर्यायवाची बन चुके हैं। जैसे वो बिंदास बैटिंग किया करते थे,
वैसे ही बिंदास वो अपने विचार व्यक्त किया करते हैं। तो भाई हमारे सूरमाओं को भी चाहिए कि वर्ल्ड कप में हर मैच से पहले वीरू पाजी की पॉजिटिविटी किताब का एक पन्ना लेकर जाएं और कुछ अद्भुत करके दिखाएं। That's true. लेकिन expectations को पूरा कौन करेगा? देखिए प्रभु, ये बात तो मैं अब मानने लगा हूं और आप तो पहले से ही मानकर बैठे हैं कि हमारी आज की टीम में ऐसी मजबूतियां हैं जिन्हें विरोधी टीमें हल्के में नहीं ले सकती। बैटिंग का विभाग हो, ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात हो, बोलर्स की बात हो, हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी दिन अपने अकेले दम पर हमें मैचेस जितवा सकते हैं। हमारे टीम के सरपंच साहब को ले लीजिए, रोहित शर्मा। मुझे लगता है कि उनके बल्ले से अभी भी ओडीआई डबल सेंचुरीज निकल सकती हैं। उन्होंने एशिया कप में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उससे ये बात सिद्ध हो गई। फिर हमारे पास सर जडेजा जैसा एक विश्व स्तरीय ऑलराउंडर है जो किसी दिन अपने बैटिंग से, किसी दिन अपनी बॉलिंग से, किसी दिन अपनी फील्डिंग से मैचेस जितवा सकते हैं। फिर बॉलिंग में आ जाइए तो मोहम्मद सिराज और साथ में जसप्रीत बुमराह जैसे दो कातिलाना तेज गेंदबाज किसी भी पिच पर विरोधी को ढेर कर सकते हैं। वीरू, तो एक तरह से इंडिया सेकंड होम बन गया है बहुत सारी टीमों के लिए। पर हर्षा, उनके लिए तो सेकंड होम है, हम लोगों के लिए तो हमेशा से हमारा फर्स्ट होम है। हम यहीं पैदा हुए, बड़े हुए, इन्हीं विकेटों पे खेले हैं, यहीं हम लोगों ने प्रैक्टिस की है और बहुत सारे मैचेस भी जीते हैं। और किराएदार तो किराएदार होता है ना, ओनर ओनर होता है, तो हम तो मकान मालिक हैं। ऊपर से आप हमारे जुनूनी फैंस, किसी भी खिलाड़ी के लिए प्रभु इससे बड़ा एनर्जी ड्रिंक नहीं हो सकता कि दर्शक उसके लिए चीयर कर रहे हों। बाकी अपनी पिचेस तो हैं ही, हर एक पिच के हर एक स्क्वायर इंच से हमारा हर खिलाड़ी भली भांति वाकिफ है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए योर ऑनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम इस बार वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बड़ी दावेदार बन चुकी है। वीरू ने बताई अपने दिल की बात, दादा ने बताई अपने दिमाग की बात। नाउ डीके, यू टेल अस, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ऑफ मिडिल ऑर्डर इन इंडिया? कोई उस जगह को सीमेंट क्यों नहीं कर पा रहा? अच्छा, अभी हाल ही में हमारी टीम वेस्टइंडीज के दौरे पे गई थी, वहां जो तीन मैचेस की ओडीआई श्रृंखला थी हमने बड़े आराम से जीत ली। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने वहां किए लेकिन उन प्रयोगों के चलते इस वर्ल्ड कप के लिए हमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने में सहायता मिली। फिर हम आए एशिया कप खेलने और एशिया कप में सबसे बड़ी सुकून देने वाली बात यह थी कि हमारा टॉप ऑर्डर जो फॉर्म में था उसने अपनी फॉर्म बरकरार रखी है। मिडल ऑर्डर जो थोड़ा हिला हुआ लग रहा था उसमें हमें मजबूती दिखाई दी है, टॉप वाला मिडल ऑर्डर भी और थोड़े नीचे वाला मिडल ऑर्डर भी। तो ये दोनों चीजें ओडीआई क्रिकेट में भारत की हालिया फॉर्म दिल को थोड़ी और ठंडक, दिमाग को थोड़ा और संतोष दे रही है। तो फैंस, why don't you tell us too? आप भी thumbs up उठाओ, स्कैन करो, वोट करो और हमें ये बताओ कि is India winning this World Cup? प्रभु, पूरे देश में अब चर्चा इस बात की हो रही है कि हमारी भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्मेंस देगी। देखिए प्रभु, अभी पूरे देश में चर्चा सिर्फ इस बात की हो रही है कि वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी। आप भी इस चर्चा का, इस मुहिम का हिस्सा बनिए। थम्स अप की बॉटल या कैन पर बने इस QR कोड को स्कैन कीजिए, फैन पल्स की वेबसाइट पे जाइए और अपना वोट देके बताइए कि आपके अनुसार कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली है। ये देखिए, मैं अपना वोट देने वाला हूं और मेरा वोट कौन सी टीम को जा रहा है ये बूझने के लिए कोई प्राइज आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो जल्दी से थम्स अप की बोतल या कैन लीजिए, QR कोड स्कैन करके फैन पल्स वेबसाइट पे जाके तुरंत वोट दीजिए और आप जीत सकते हैं वर्ल्ड कप की फ्री टिकट्स। एक चीज तो तय है, इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ तूफानी होने वाला है। तो प्रभु लोग, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ इस 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का समर्थन कीजिए और हो सकता है कि आपके समर्थन के सदके, हमारे चैंपियंस के बढ़िया परफॉर्मेंस के सदके, लगातार चौथी बार मेजबान देश ही वर्ल्ड कप जीते। तो देर किस बात की है, आ जाओ मालको, चक लो बोतल थम्स अप वाली।